हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक एक्सरसाइज 5.2 के। और इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें बेसिक सिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तीन डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको सबसे छोटा तीन डिजिट का नंबर देखना पड़ेगा जो 7 से डिवाइड होता हो। और वो कैसे चेक करेंगे आप देखिए, अगर मैं 100, सबसे छोटा 100 होता है ना तीन डिजिट का नंबर, तो अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करने का ट्राई करूँगा तो क्या होगा देखिएगा, 7 1 7 और रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, और फिर यहाँ से ज़ीरो को नीचे ले गए तो 7 4 20 8 और अब रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, वो तो वैसे भी आपको पता ही था। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर का मतलब वो एक्स्ट्रा नंबर जो कि 100 में है, जिसकी वजह से 100 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो रिमाइंडर का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज़ जो 100 में है, जिसकी वजह से 7 से वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ जो बची है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 2 यानी कि 98। तो 98 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब रिमाइंडर को माइनस किया जाता है नंबर में से तो वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो 98 7 से पूरा डिविजिबल है, पर 98 तो तीन डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो तीन डिजिट का सबसे छोटा नंबर कैसे पता चलेगा, बस आप इस 98 में आप 7 ऐड कर दीजिए, तो 98 प्लस 7 105, तो 105 आपका सबसे छोटा तीन डिजिट का नंबर है। तो बचपन में भी जब टेबल नहीं आते थे तो आप क्या करते थे, आपसे कोई कहेगा कि अगर 7 का टेबल सुना हो तो आप कहेंगे 7 1 7 7 2 14 7 3 21, इतना तो याद है, और फिर उसमें 7 ऐड करके बताते थे अब 28 आएगा, फिर 7 ऐड करेंगे फिर बताएंगे 35 आएगा, ऐसे ही करते थे। इसी प्रकार आपको पता है कि 98 7 के टेबल में आता है, 7 से डिविजिबल है, तो इसका अगला जो नंबर होगा वो कैसे आएगा, प्लस 7 करके। अगला नंबर कैसे आएगा, प्लस 7 करके। अगला नंबर कैसे आएगा, प्लस 7 करके। इस प्रकार से ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, क्योंकि प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म ऐड होती जा रही है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो आपको ये हमने बताया कि सबसे छोटा नंबर कैसे पता करना है तीन डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो। ऐसे ही 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा तो हो गया 105, तो सबसे छोटा 105 हो गया, और फिर 7 7 उसमें ऐड करते जाएंगे तो 112 119 एंड सो ऑन सो ऑन। अब सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर कैसे हमको पता करना है, सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर, तो तरीका बड़ा सिंपल है। आपको पहले सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर लिखना है, क्या है वो है 999। तो क्या 999 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। तो 7 1 7 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ पर 9, तो 7 4 28, फिर माइनस करते हैं और अब आएगा 1, यहाँ पे लिख देते हैं और ये 9 नीचे, फिर 7 2 14 और रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर बचा 5। तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी तो मैंने ये सिखाया कि जब रिमाइंडर को इसमें माइनस कर दोगे तो ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होगा। तो 999 में से 5 को माइनस कर दो तो 994 आपका सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई। तो अब इसमें प्लस 7 मत कर देना, क्योंकि अगर आप इसमें प्लस 7 करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें 4 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो यही हमारा सबसे बड़ा 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर है, तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 994। इतनी बात समझ आ गई, तो ये एपी बन गई आपकी। अब हमें पता करना है ये टोटल हैं कितने। तो कैसे पता करेंगे, देखिए बेटा आपके पास ए है, डिफरेंस 7 7 का है वो आपको पता ही है, और nth टर्म an है 994, an है 994। अब बस आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास an है, एक ही चीज़ मिसिंग है वो है n, n यानी
नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए एन का फार्मूला हमने लगाया, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, वो बराबर है ए एन के, और ए एन की वैल्यू हमने पुट कर दी 994, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 105, डी की वैल्यू हमने पुट कर दी 7। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब आपको इसके बाद का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 105 है इसको ले गए हैं राइट साइड में 994 के पास, तो 105 वहाँ जाकर माइनस हो गया, 994 माइनस 105 जो कि हो जाएगा 889। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए, या सीधा सीधा जो ये 7 है इधर है 7 इंटू एन माइनस 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये जो 7 मल्टीप्लाई का है इसको उधर डिवीजन में ले जाइए। तो 889 डिवाइड बाई 7, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 127। आप डिवाइड करके देखिएगा, n माइनस 1 आ गया 127, तो n की वैल्यू होगी 127 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो 127 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 128, ठीक है। एक और बार बता देते हैं, आपको सबसे छोटा तीन डिजिट का नंबर मिला 105, सबसे बड़ा नंबर मिला 994, और इनके बीच का जो गैप है वो है 7 का गैप, यानी डिफरेंस है 7। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गई, डी आपको मिल गया, ए एन आपको मिल गया, राइट। और अब आपने ए एन का फार्मूला लगाया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, उसमें ए एन यानी nth टर्म या लास्ट टर्म आपने लिखी, ए की वैल्यू लिखी, डी की वैल्यू लिखी, और एन आपको पता नहीं है, एन आप यहाँ से निकालेंगे। तो पहले तो जो ये 105 है इसको उधर ले गए, 994 माइनस 105 जो आया 889, और अब इस 7 को ले गए डिवाइड में, 889 डिवाइड बाई 7 127। अब बचा लेफ्ट में n माइनस 1, उस माइनस 1 को राइट में ले गए तो प्लस हो गया, n हो गया 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी कुछ सेम है, डिविजिबल हो चाहे मल्टीपल हो एक ही बात है। तो 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल, अगर आप टेबल भी पढ़ेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 12 आपको 10 से बड़ा पहला 4 का मल्टीपल मिल जाएगा, और फिर 4 बढ़ाते जाइए तो 16 और 20 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो दिक्कत क्या है कि 250 से छोटा 4 का मल्टीपल क्या होगा, बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम भी क्या है, हमने अभी अभी सीखा है कैसे करना है। 250 क्या 4 से डिवाइड होता है, हम चेक कर लेते हैं। तो 250 डिवाइड बाय 4, तो 4 6 24, राइट, और रिमाइंडर आया 1 और 0 नीचे उतारा ये वाला, तो 4 2 8, और आपने देखा कि फाइनली आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो है 2, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है इस 250 में, अदरवाइज ये 250 डिवाइड हो जाता 4 से, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है वो इसमें से माइनस कर देंगे, 250 में से 2 माइनस किया, तो ये रूल है रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। तो 248 आ जाएगा 250 से पहले वाला 4 के टेबल में आने वाला नंबर या 4 का मल्टीपल, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी है वो क्या लिखी है, 12 16 20 24 और एंड में 248। और अब सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हाउ मैनी टर्म्स आ गए, हाउ मैनी टर्म्स पूछ रहा है, तो n पता करना चाहता है वो, a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 4 है, जो डिफरेंस है 4 का, और a n 248 है, और सेम प्रोसीजर से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, a n की वैल्यू पुट की 248, a की वैल्यू सबसे छोटा नंबर 12, n माइनस 1 और d है 4, सबसे पहले इस 12 को ले जाएंगे 248 के पास, तो जाके वहाँ पर हो जाएगा माइनस 248 माइनस 12, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 236, ठीक है। और राइट में है n माइनस 1 इंटू 4, अब ये 4 ले जाएंगे अपॉन में, पिछली बार भी ऐसे किया था, पिछली बार हम 7 को ले गए थे अपॉन में, इस बार हम ले जा रहे हैं 4 को अपॉन में, ठीक है। तो 4 अपॉन में जाएगा, 236 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, और अब बेटे 236 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए 4 5 20, और
थ्री रिमाइंडर बचा 6, 36, 4, 9, 36 तो 59 आपका आ जाएगा एन माइनस वन, और एन की वैल्यू होगी 59 प्लस वन यानी कि 60, तो ये आपका इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं 60। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो काफ़ी कुछ ये पिछले क्वेश्चन की तरह था, इसलिए इसने आपको परेशान ज़्यादा नहीं किया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फिर से एन पता करना है। आर द एंथ टर्म ऑफ टू ए पीज, तो एक ए पी ये दी हुई है बेटे, एक ए पी ये दी हुई है, एंथ टर्म दोनों की सेम है, दोनों की एंथ टर्म सेम है। तो आप ये देखिए, जो पहली वाली ए पी है, पहली वाली ए पी, उसकी फर्स्ट टर्म 63 है और कॉमन डिफरेंस 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो इतना तो हमको पता चल गया। और जो दूसरी वाली ए पी है, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 का है। ठीक है, अब इसके एंथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे, इसके एंथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे और वहां से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, पहली वाली एपी की फर्स्ट टर्म 63 है और डिफरेंस 2 का है, सीधा भी लिख लिख सकते हैं आप 2, और इसके एंथ टर्म का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू 63, एन माइनस वन और डी की वैल्यू 2। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2। अब इस 2 को यहाँ एन से इंटू किया तो 2n आ गया, और 2 को 1 से इंटू किया तो 2 आ गया, 63 माइनस 2 61। क्लियर दिख रहा है सबको? चलो ठीक कर देते हैं इसे। ओके, तो बेटे यहाँ पर 63 प्लस 2n माइनस 2, और 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 63 माइनस 2 हो जाएगा 61, तो यहाँ 61 प्लस 2n आ गया। तो ये तो आपकी nth टर्म आ गई बेटा इस वाली सीक्वेंस के लिए, इस वाली एपी के लिए। ठीक है, अब दूसरी वाली एपी लेते हैं, और दूसरी वाली एपी की फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस 7, 7 का है, आप देख सकते हैं, तो डिफरेंस है 7, और nth टर्म का फार्मूला हमने लगाया ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन ऐसे का ऐसा, और डी की वैल्यू 7। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ 7 इंटू एन हो गया 7n, और 7 इंटू वन हो गया 7, तो 3 माइनस 7 होगा माइनस 4, और 7n एज इट इज। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा नॉइज आ रहा था। फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस 7 का है, तो डिफरेंस 7 हो गया। एंथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की जगह 3, एन माइनस वन, डी की जगह 7, 7n माइनस 7, और 3 माइनस 7 हो गया माइनस 4, और 7n ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो 7n माइनस 4 आपकी nth टर्म हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि दोनों की nth टर्म इक्वल है, nth टर्म ऑफ टू ए पीज आर इक्वल। तो हमने ये nth टर्म 61 प्लस 2n और ये 7n माइनस 4 दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है बेटे, अब यहाँ से n निकालना, तो सिंपल मैथ्स है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है माइनस 4, इसको 61 के पास भेज दीजिए, अलाइक टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, 61 प्लस 4, माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 65। और जो ये 2n है, n वाली टर्म है, इसको 7n के पास भेज दीजिए, तो 7n माइनस 2n हो गया, यानी अलाइक टर्म साथ में, n वाली एक साथ, कॉन्स्टेंट्स एक साथ, तो 61 प्लस 4 हो गया 65, और 7n माइनस 2n हो गया 5n। अब 5 मल्टीप्लाई बाय n है, तो ये 5 उधर जाएगा डिवाइड में, और 65 को जब 5 डिवाइड करेगा तो आएगा 30। ठीक है, 13 5 65, तो 65/5 हो गया 13, और इस तरीके से आपकी n की वैल्यू आ गई। एक बार फिर रिपीट कर दें क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि ये ए पी और ये ए पी दोनों की nth टर्म, दोनों की nth टर्म इक्वल थी, n निकालना था। तो इसके लिए a आपको पता है 63, डिफरेंस आपको पता है 2, तो ए एन का फार्मूला लगा दिया, 63 प्लस एन माइनस वन 2। ऐसे ये जो दूसरी वाली ए पी है, इसके लिए फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस है 7, तो इसमें nth टर्म का फार्मूला लगा दिया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, दोनों को इक्वल रखा और वहां से n की वैल्यू निकाल ली। तो अभी हम देख रहे हैं 16th क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म इसकी 16th है, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d 16 है, और सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, सेवंथ term fifth term से 12 ज़्यादा है,
तो सेवंथ टर्म क्या होगी? ए प्लस सिक्सटी ये हो गई सेवंथ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म होगी ए प्लस 4d। और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस यानी कि 12 है तो हमने सीधा सा काम किया यहाँ पर। अगर कोई कहता है मुझसे कि 28 से 12 ज़्यादा है, 28 से 12 ज़्यादा है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, और देखते हैं 5 3 से 2 ज्यादा है तो कैसे लिखेंगे? 5 5 3 से 2 ज्यादा, यानी इनका डिफरेंस 2 है। ऐसे यहां पे का सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो मैंने कैसे लिखा? सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। और यहां देखिए बेटा, ए से तो ए कट जाएगा, राइट? 6d-4d हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। और अब जो ये मल्टीप्लाई का 2 है वो अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 6। तो एक बार आपकी d की वैल्यू अगर 6 आ गई, तो जो ये पहली वाली इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आप d की वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। और d की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2 × 6 = इज इक्वल टू 16। समझ आए? तो यहां पर ए से कटा और 6d करके दिखा देते हैं। यहां पर ए से कटा और 6d-4d हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। फिर 2 गया अपॉन में, 12 अपॉन 2 हो गया 6। अब इसको हमने पहली इक्वेशन, जो ये पहली इक्वेशन कहां से आई थी? ये पहली इक्वेशन आई थी पहली स्टेटमेंट से, और पहली स्टेटमेंट थी थर्ड टर्म इज 16, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16 वाली इक्वेशन। उसमें मैंने d की जगह 6 पुट कर दिया, तो 6 × 2 = 12, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब इस 12 को राइट साइड में भेजेंगे तो 16 - 12 हो जाएगा वहां जाकर 14, तो ए की वैल्यू आ गई 14, 14 नहीं 4, ए की वैल्यू आ गई 4, 16 - 12 हो गया 4। क्या पूछा है इसमें? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म ये 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसमें ए हमने निकाल लिया है, डी हमने निकाल लिया है। जब आपका ए आ गया और डी आ गया, वो कहता है बताइए एपी क्या होगी। तो एपी क्या होगी, आप दो चार टर्म बता दीजिए इसकी। पहली टर्म तो 4 है, दूसरी टर्म कैसे आएगी बेटा? ए में डी ऐड करके, यानी 4 + 6 = 10। तीसरी टर्म कैसे आती है? फिर इसमें डी ऐड करना है, 10 में डी ऐड करना है, तो 10 + 6 = 16। फिर अगली टर्म कैसे आएगी? 16 + 6 = 22। ऐसे ही तो होता है, ए में डी ऐड करते जाते हैं, आगे की टर्म्स आती जाती हैं और आपकी एपी बन जाती है। तो ये आपकी एपी है, ठीक है, समझ आ गया? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया है, और इसी के साथ ये वीडियो अब हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे पूरा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो YouTube लाइव में आकर, या तो ऐसे ही एक वीडियो बना देंगे दोबारा से। ठीक है, ओके, थैंक यू।